इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में दो करंट एलिमेंट बार बार यूज में आते हैं, जैसे कि एक आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में अभी हमने पढ़ा है, उस पर देखा कि रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रेचिंग का क्या इफेक्ट होता है। उसी तरह से दूसरा करंट एलिमेंट है उसको कहा जाता है बैटरी या सेल, तो उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बैटरी और सेल जो है कई तरीके के होते हैं। हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब है कि जैसे ये बैटरी हो गया, तो इसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि इसके अंदर मूव कर सकते हैं। अब देखेंगे कि यहां पर दो इलेक्ट्रोड दिखाए गए हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये हमेशा जो है लोअर पोटेंशियल पर होता है, और जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमेशा हायर पोटेंशियल पर रहता है। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड एंड इट इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल, ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो। करंट चाहे किधर भी फ्लो करे, एनोड जो है हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है रिलेटिव टू निगेटिव प्लेट। निगेटिव प्लेट को हम लोग कहते हैं कैथोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड एंड इट इज ऑलवेज एट लोअर पोटेंशियल। चूंकि यहां पर दो ही इलेक्ट्रोड हैं, तो पॉजिटिव वाला प्लेट हायर पोटेंशियल पर होता है, निगेटिव वाला प्लेट जो है वो लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो एक्चुअली में ये बैटरी हो गया। जब ये बैटरी कब काम करेगा, जब इसको किसी सर्किट में जोड़ेंगे, है ना। तो सर्किट में जोड़ने का मतलब ये हुआ कि बैटरी जो है इससे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। ये जो है पॉजिटिव प्लेट का मतलब ये हो गया एनोड, निगेटिव प्लेट का मतलब हो गया कैथोड। जब इसी सर्किट को, इसको हम लोग सिंपल सर्किट में जब दिखाते हैं बैटरी को, तो कुछ इस तरह से दिखाते हैं। जैसे ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R लिखा है वो ये हो गया, और जो बैटरी है उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये बॉक्स के अंदर पूरा जो है ये बैटरी है, ठीक। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। ये जो बैटरी है, बैटरी का अपना एक ईएमएफ होता है, ईएमएफ को मैं अभी बताऊंगा, और इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो आयंस हैं वो मूव करते हैं, ठीक। और इस एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो जैसे ही इसको सर्किट में जोड़ा जाता है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करता है, करंट ऐसे फ्लो करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उल्टे निकलते होंगे ऐसे, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव प्लेट से निकलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे चलते हैं, जबकि करंट इसका उल्टा चलता है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं और करंट ऐसे आ रहा है। यहां पर मैं बात करूं तो करंट ऐसे आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर आ रहे होंगे, ऐसे इधर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। तो एक्चुअली में जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जबकि बैटरी के अंदर आयंस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या कह सकते हैं करंट इन एक्सटर्नल सर्किट
इन एक्सटर्नल सर्किट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, मतलब इधर सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है जबकि बैटरी के अंदर व्हाइल करंट इनसाइड बैटरी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ और मोशन ऑफ आयंस ओनली, आयंस और इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करते हैं इसके अंदर, या यहां पर आयंस ही बेसिकली आयंस ही पॉजिटिव और निगेटिव आयंस ही मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से मूव करना शुरू करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके अंदर आयंस मूव करते हैं और जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना। तो इस तरह से कहा जा सकता है। अब एक्सटर्नल सर्किट में यहां पर जैसे ये एक कंडक्टर है, इसका खुद का अपना रेजिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन में अगर कोई रेजिस्टेंस आता है तो वो ये आर बताएगा, कैपिटल आर। जबकि आयंस के मोशन में अगर कोई रेजिस्टेंस आता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो बेसिक डेफिनेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये है, इट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ और रेजिस्टेंस इन मोशन ऑफ आयंस इनसाइड बैटरी, बैटरी के अंदर जो आयंस मूव कर रहे हैं और उनके मोशन में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमने डिफाइन कर दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, जैसे कोई बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू होता है ना। तो लेकिन ईएमएफ जो है, ये ईएमएफ है, ईएमएफ इसका चेंज नहीं होता, बैटरी का ईएमएफ हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे चार्ज हो या डिस्चार्ज हो। तो मैं ईएमएफ को डिफाइन करता हूं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब शॉर्ट में इसको ईएमएफ कहते हैं, ऑफ बैटरी, और इसको डिनोट करते हैं ई से। तो बेसिकली ये डिफाइन किया जाता है, वैसे यहां पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, लेकिन ये फोर्स है नहीं, एक्चुअली में क्या है, ये वर्क डन है या एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसको डिफाइन कुछ इस तरह से किया जाता है कि इट इज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम निगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट इनसाइड बैटरी। मतलब ये है कि जैसे ये निगेटिव प्लेट्स है तो यहां से वन कूलम चार्ज को इस प्लेट तक बैटरी के अंदर मूव कराना, यहां से यहां ले जाने में बैटरी जितना भी वर्क करेगा वो उस बैटरी का ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी रिमेन्स कांस्टेंट बट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इंक्रीजेस व्हेन बैटरी इज
गेटिंग डिस्चार्ज्ड, मतलब जब बैटरी एक तरह से पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाता है उसका मतलब ये होता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया है ना। तो जैसे देखेंगे यहां पर कि ये जो ईएमएफ दिया है एक्चुअली में इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में, ये पॉजिटिव प्लेट कहलाता है, जो बड़ा सा प्लेट है ये एक्चुअली में पॉजिटिव प्लेट है यानी कि एनोड है, और ये निगेटिव प्लेट मतलब कि कैथोड है, ठीक है। इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई रहता है हमेशा, मतलब कि करंट फ्लो करे, अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर होता है। अब जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो बॉक्स है ये बैटरी है, ठीक, तो बैटरी का दो एंड मैं कहूंगा कि एक एंड तो यहां पर आ गया और एक एंड यहां पर आ गया ए बी, तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये एक्चुअली में आएगा यहां से ई माइनस आई इंटू आर। अगर यहां से आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो मैं ये निकाल कर दिखाऊंगा, आगे हमें चेक करना है कि कैसे आया। अभी हमें यह समझना है कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ई माइनस आई आर होता है, ठीक है। अब ई जो है वो फिक्स रहता है, यानी कि जो ई एम एफ है वो फिक्स रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्चुअली में करंट पर डिपेंडेंट है, करंट पर डिपेंडेंट है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बदलता है ना। तो और इसलिए कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी कर सकता है लेकिन ई एम एफ हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तो कह सकते हैं ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी में वेरी। तो एक्चुअली में जो ईएमएफ है ये भी एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, आई जीरो होगा, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई होगा, मतलब यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ ई के बराबर होता है, ठीक। अब जैसे ही करंट आएगा तो ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई से कम हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है अगर बैटरी चार्ज हो रहा, वो चीजें हम लोग अभी आगे जाकर के इसको समझेंगे। तो जैसा कि मैंने ये कहा कि जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होने से ईएमएफ कांस्टेंट रहता है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो है लगातार बढ़ता रहता है। अगर बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया इसका मतलब यह है कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गया है। इनफाइनाइट हो गया तो करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। करंट अगर मैं निकालूं इसमें से, अगर इस सर्किट में मैं करंट निकालूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहां पर अभी मैं मानूंगा कि ई है, डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस और ये कैपिटल आर, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा आर प्लस आर, ठीक है। तो जब बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये आर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसके इनफाइनाइट होते ही करंट हो जाता है जीरो। तो ये कर सकते हैं व्हेन बैटरी इज डिस्चार्ज्ड कंप्लीटली देन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स इनफाइनाइट एंड करंट बिकम्स जीरो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी बैटरी डिस्चार्ज होता है तो ऐसा नहीं कि उसका ईएमएफ गायब हो जाता है, ईएमएफ उतना ही रहता है, बस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है।